चलिए स्टार्ट करते हैं आज साबूदाना की खिचड़ी बनाना। तो यहाँ पे मैं लगभग 2 कटोरी साबूदाने ले रही हूँ। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था 4 बार साफ़ पानी से, नॉर्मल वाटर का ही यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। तो साबूदाना खिचड़ी जो है मैं नाश्ते में बना रही हूँ। आपको जिस भी टाइम खाना पसंद है आप उस टाइम पे बना सकते हैं, और व्रत में तो इसको बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है। तो चलिए साबूदाना को मैंने यहाँ पे अच्छे से धो लिया है 4 बार, और उसके बाद मैं अब लूँगी आधी कटोरी लगभग पानी। साबूदाने को आपको इतना भिगाना है कि जो उसका वाटर लेवल है वो ऊपर नहीं होना चाहिए, बस साबूदाने उसमें थोड़े से डिप हो जाने चाहिए। देखिए मैं आपको कैसे दिखा रही हूँ ना पानी का लेवल, तो आपको भी ऐसे ही रखना है। जितना भी आपका साबूदाना है उसके बराबर ही आपको उसमें पानी, उसके लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं ओवरनाइट सोक करने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं इसको नाश्ते में बना रही हूँ। आप चाहें तो जब भी इसे बनाएं आप 2 या 3 घंटे पहले इसको भिगा के रख सकते हैं, तो मॉर्निंग में तो इतना टाइम होता नहीं है। तो चलिए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स में। मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं, उनको चॉप कर लूँगी। बॉइल्ड पोटैटोज़ यानी कि आलू लिए हैं मैंने, और ये मैं आपको पीनट्स दिखा रही हूँ, हरे मिर्च और लेमन। तो सबसे पहले कढ़ाई मैंने ली है मोटे तलवे वाली, और मैं इसमें जो मूँगफली है उनको भून लूँगी, और इनको मैं अलग निकाल लूँगी क्योंकि हम इन्हें सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। तो अब तड़का लगाते हैं राई के दानों का, मस्टर्ड, मेरे ख्याल से मस्टर्ड बोलते हैं इसको, सरसों के दाने। ये पतले वाले हैं, मोटे वाले नहीं हैं। तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें जो हमारे आलू हैं बॉइल्ड किए हुए, उनको थोड़ा सा मैं क्रिस्पी कर लूँगी ताकि थोड़ा सा बढ़िया क्रंचीनेस आ जाए। और उसके बाद मैं साथ में ही हरी मिर्च डाल दूँगी। उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज, आलू हमारे भुन चुके हैं और साथ में हरी मिर्च भी चटक गई है, और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, और साथ में मैं कड़ी पत्ता ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्टार्टिंग में डाल सकते हैं, मैं तो जो प्याज वगैरह इसके साथ ही डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कड़ी पत्ता जब डालते हैं ना तो ये चटकने की आवाज़ आती है, तो फिर मुझे थोड़ा सा उससे डर लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे जब तक ये सामान भुन रहा है तब तक मैं नींबू का जो रस है उसे निचोड़ लेती हूँ, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो मसाले देखिए यहाँ पे सिर्फ और नमक और मिर्च का ही यूज़ किया गया है, क्योंकि व्रत में इसे बनाते हैं। तो आप यहाँ पे जब व्रत में बनाएं तो आप प्याज का यूज़ बिल्कुल मत करिए, खाली आलू और मूँगफली का यूज़ करिए। तो नमक डालने के बाद मैंने सफ़ेद नमक और काला नमक दोनों डाला है स्वाद अनुसार, और साथ के साथ फिर मैंने इसमें साबूदाने को डाल दिया है। तो साबूदाने को हम यहाँ पे अच्छे से भूनेंगे बढ़िया तरीके से। आँच मैंने यहाँ पे गैस की जो है वो कम कर दी है, ताकि जो हमारा साबूदाना है वो नीचे ना लगे। उसके बाद साबूदाना भुन चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे भुनी हुई मूँगफलियाँ। मूँगफलियाँ जो है थोड़ा सा उससे अच्छा सा क्रंचीनेस आ जाता है, और जो आलू भी हैं वो भी। आप यहाँ पे चाहें तो इसमें थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट साबूदाने को बनाना है। वैसे तो ये इसी तरीके से बनाया जाता है व्रत में। प्याज मैंने यहाँ पे डाला है, आप प्याज को हटा दीजिए अगर आपको पसंद नहीं है तो। बस हमारा जो साबूदाना है वो है बनकर तैयार। आँच को मैंने कर दिया है बंद। अब लास्ट में मैं इसमें डालूंगी जो हमारा लेमन का जूस है वो, और अगर आप चाहें तो चीनी का भी थोड़ा सा इसमें प्रयोग कर सकते हैं खट्टा मीठा टेस्ट के लिए। अब मैं इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर के ऐसे ही छोड़ दूंगी, ताकि जो नींबू का रस है वो उसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए, और ये बिल्कुल बन के तैयार है। गार्निश करेंगे इसको हरे धनिए के साथ। तो हमारी साबूदाना की खिचड़ी बिल्कुल रेडी है। आप भी इसको ट्राई कीजिए, बनाइए, और कमेंट्स में बताना मुझे कि कैसे बनी थी आपकी खिचड़ी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।